الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين برادران الإسلام إسلامي بايو प्यारे बच्चों, इस 9 साल की आमद पर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता कितना मजबूत हुआ और हमने अगरचे गुज़िश्ता साल के
गुनाहों, मासी व मुनकरात और जो भी टूटी फूटी नेकियां अंजाम दी, अगरचे हम उसको भुला गए, भूल चुके हैं और वो हमें याद नहीं रहे, लेकिन वो ज़ाते बाबरकात वहदहु ला शरीक खालिके कायनात मालिके अर्ज़ो समा जो ना कभी भूलता है ना भटकता है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा मेरा परवरदिगार ना ही भटकता है ना ही उसे निस्यान तारी होता है ना ही वो किसी चीज़ को भूल सकता है। तो कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होगा, मैदान महशर का आलम होगा और सारे इंसान व जिन्नात अव्वलीन व आखिरीन सब मालिक लम यज़ल हकीकी बादशाह के सामने खड़े होंगे, जहाँ पर अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा ना कोई तर्जुमान होगा। वहाँ पर एक मंदर ये भी आएगा, जब बंदा अपने नामे आमाल को अपने सामने देखेगा और पाएगा और उसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ में कुछ इस तरह खींचा, वयकूलूना या वैलतना मा ली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا। उस दिन वो कहेंगे गुनहगार और नाफरमान और सरकश और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के कामों से निकल जाने वाले ये कहेंगे हाय बर्बादी हाय खराबी, इस किताब को, इस सहीफे को, इस नामे आमाल को, इस रजिस्टर को क्या हो गया है, ये कैसी किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो छोटी और बड़ी हर एक चीज़ को शुमार कर रखा है, किसी को बाकी नहीं छोड़ा, किसी एक नेकी को, एक अमल को, एक हरकत को भी जर्रे के बराबर ही क्यों ना हो, इस सब चीज़ को इसने जमा कर रखा है, ये कैसी किताब है। वह वजदु मा अमिलू हादिरा, और जो कुछ उन्होंने इस दुनिया में नेकी और बदी के जो काम सर अंजाम दिए होंगे वह सब अपने सामने मौजूद पाएंगे, हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तुम्हारा परवरदिगार पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे पर ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म करने वाला नहीं है। जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इंसान को उसकी ज़िंदगी और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त दिए, जो औकात उसको बतौर नेमत अता किए, उसकी अहमियत को बतला रहे हैं कि ये वक्त और ये ज़िंदगी जो हमें मयस्सर है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बतौर नेमत, हमें इसको किस हद तक अहमियत देनी है और इससे किस हद तक नेकी के कामों में इसको गुजारना है और इससे काम लेना है और इसकी क्या कदर व मंजिलत और अहमियत है, इन आयात को समझकर अब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर में क्या फ़रमाया, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے, میرے بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے, یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر گناہوں کے کام کر کے معاصی و منکرات کے مرتکب ہو کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اپنے ساتھ انہوں نے अपने हक में बुरा किया, अपनी हक तलफी की, अपनी जान पे जुल्म किया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, वो गुनाहों के दलदल में इतने ज़्यादा धस चुके होंगे और इतने ज़्यादा गुनाहों के पहाड़ को अपने ऊपर लाद चुके होंगे और गुनाहों के बोझ तले इतने ज़्यादा वो भारी भरकम बोझ अपने ऊपर लिए हुए, इतने ज़्यादा वो उसके बोझ तले दबे जा रहे होंगे कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी का समा उनके ऊपर तारी हो जाएगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी का शिकार हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में अपने उन बंदों को उम्मीद दिला रहा है, उनके दिल और ज़मीर को झंझोड़ रहा है जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है,
जिनके अंदर ईमान की रोशनी, ईमान की किरण और ईमान की रमक है, जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान पाया जाता है और जिनसे दोबारा जी उठने की उम्मीद की जा सकती है और दोबारा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट रखने की ताकत रखते हैं, उनसे खिताब किया जा रहा है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी का शिकार ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात वो है, वो इस हस्ती का मालिक है कि वो तुम्हारे इन तमाम ख़ताओं और गुनाहों और लफ्जिशों और मासी व मुनकरात को तुम्हारे नामे आमाल से मिटा देगा, उसको माफ़ कर देगा और तुम्हें मायूसी के शिकार होने से बचा लेगा। इन्नहु वल गफूर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ी रहम करम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत, उसके अस्माए हुस्ना में से गफूर और रहीम, ये दो सिफत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा गुनाहों को बख्शने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, बंदे के गुनाहों पर पर्दा डालने वाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की हालत पर, उनकी कैफियत पर और उनकी सरापा पर रहम करम करने का मामला करने वाला है। وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम गुनाहों के दलदल में धस जाने के बाद तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिगफार करने की ज़रूरत है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूसी का शिकार ना होने की ज़रूरत है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफिरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी ये काफिरों का शेबा है, ये कुफ्र की अलामत है, ये मोमिनीन का, साहिब इस्लाम का, साहिब ईमान का शेबा नहीं है। वह अनीबु इला रब्बिकुम, और तुम अपने रब की तरफ रुजू और इनाबत इख्तियार करो, लौटो पलटो। वह असलिमु लहू, और मुकम्मल उसके ताबे फरमान हो जाओ, उसके मुती व फरमाबरदार हो जाओ, अपने आप को इस्लाम कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल लो, अपने हर एक हरकत व सकनात को इस्लामी शरीयत के ताबे कर दो, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को तुम कुचल डालो, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसलिए कि तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ते हो, अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो। व असलिमु लहू, तो उसके मुकम्मल ताबे फरमान हो जाओ, अपनी मनमानी ज़िंदगी ना गुजारो, अपने जी में जो आए वो ना करो। मिन कबल यातियकुम अलअज़ाब थुम्मा ला तुंसरून, इससे पहले कि तुम्हारे पास ऐसा अजाब आ पहुँचे, ऐसा दर्दनाक अजाब से तुम दोचार हो जाओ कि उस अजाब से तुम्हें कोई बचाने वाला ना मिले, फिर वह उस अजाब के आ जाने के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इस अजाब के सामना करने से पहले पहले तुम अपने वक्त को और अपनी ज़िंदगी को अहमियत दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद हकीकी के लिए तुमको ज़िंदगी और मौत दी है उसको समझो। ज़िंदगी और मौत इसलिए दी है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इंसान नेकी के काम करे, आजमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन कि तुम्हें से अच्छा अमल कौन करता है और कौन बुरा अमल करता है। मेरे भाइयों, ये आयात हमें दर्स देती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ वापस लौटने और पलटने की, गुनाह की अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे बाद आ जाने की। मेरे भाइयों, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बादिरु बिल आमाली सबान, हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़्रम मुनसिया औ गनम मुतगिया औ मरदम मुफसिदा औ हरिम मुफन्निदा औ मौतन मुजहिदा अविद दज्जाल फशरु गाइबिन युंतज़र अविस सआ वस्सआतु अदहा व अमर, कहा के सात आमाल ऐसे हैं, सात किस्म की बुराइयाँ और ख़राबियाँ और नेकियों के कामों में रुकावट बनने वाली ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में तुम मुलविस होने से पहले, उन चीज़ों में गिरफ्तार होने से पहले नेकियों की तरफ मुबादरत इख्तियार करो, लपको नेकियों में, सबकत इख्तियार करो। अगर मुकाबला करना है तो नेकी के कामों में करो, मुकाबला करना है तो अल्लाह के दीन में उसकी इताअत करके करो, मुकाबला करना है तो कुरान की तिलावत करके करो, मुकाबला करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के काम में अपनी ज़िंदगी को गुजार के करो। दुनिया व माफिया की चीज़ों में मुकाबला करने का हुक्म नहीं दिया गया, दुनिया व माफिया ये मुकाबला करने के लिए नहीं बनाई गई, ये दुनिया इंसान के लिए खेल तमाशा और फितना है,
और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया है और इसमें तुम्हें उन सारे मौके और उन सारे मोड़ से गुजरना पड़ेगा जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के कामों से मोड़ देने वाले होंगे। तुम्हें इस दुनिया में उन हालात से दो चार होना पड़ेगा जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेकी और तात के कामों से तुम्हें दूर कर देने वाले होंगे और तुम्हारी नेकी के कामों में करने के सिलसिले में तुम्हारे लिए हर मोड़ पर रुकावट पैदा करने वाले होंगे। तुम्हें इन सब चीजों में, इस जंगल में, इस कांटेदार झाड़ियों में गुजरते हुए चाको चौबंद होकर के तकवा की जिंदगी गुजारते हुए उससे गुजरने का हुक्म दिया गया। पूछा गया तकवा क्या है, कहा गया कि तकवा यह है कि तुम्हारा गुजर जब कांटेदार झाड़ीदार रास्ते से हो तो तुम किस तरह गुजरते हो, चाको चौबंद होकर के, कमर बस्ता होकर के, बिल्कुल एहतियात के साथ तुम रास्ते से गुजर जाते हो। इसी तरह इस दुनिया एक कांटेदार झाड़ी और कांटेदार रास्ता है। इस दुनिया से तुम्हें अपने दामन को बचा करके, अपने इस्लामी तशख्खुस को बहाल रखते हुए इस दुनिया से गुजरना है। तकवा और ईमान और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हुए इस दुनिया व माफिया और उसके फितनों से और उसके खेल तमाशों से अपने दामन को चुराते हुए इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। फरमाया बादिरु बिल आमाली सबान हल तंतज़िरून इल्ला फ़क्रम मुंसिया, क्या तुम्हें ऐसे फ़क्र फाके का इंतज़ार है जो तुम्हें हर चीज़ भुला दे, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के कानून को भुला दे और ऐसे फ़क्र फाके में मुबतला होकर आदमी इस कदर फितने में मुबतला हो जाए कि फिर वो अल्लाह और उसके रसूल की अहमियत को ना समझे, किताब व सुन्नत की तालीमात की अहमियत को ना समझे, उसका दिल और दिमाग काम करना बंद कर दे। क्या तुम ऐसे फ़क्र फाके के इंतज़ार में हो या तुम ऐसी मालदारी और ऐसी दौलत और ऐसी दुनिया की चाहत में लगे हुए और उसके इंतज़ार में हो जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के सिलसिले में तुम्हें सरकश बना दे, तुम्हारी गर्दनों को अकड़ा दे, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो मालदारी झुकने से रोक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, या अय्युहल लदीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मोमिनो ऐ ईमान वालो, ये दुनिया व मा फिया, तुम्हारे माल और औलाद, ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। वमन यफअल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो इसमें मुलव्विस हो गया और जो इसमें डूब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से भटक गया, नेकी के कामों से वो रुक गया और नेकी ये फितना उसके आड़े आ गया, तो वो खसारा उठाने वाले और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। औ गनम मुतगिया औ मरद मुफसिदा, या तुम ऐसी बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो जो बीमारी तुम्हारे लिए खराबी और बर्बादी लेकर आए, तुम्हारे दीन और ईमान और अकीदे में तुमको मुतजल्दिल कर दे, तुम्हें शक और शुबे में डाल दे ऐसी बीमारी, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तरह तरह के गुमान का, गलत फहमी का और सूए ज़न का शिकार हो जाओ, तरह तरह के गुमान करो, वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तरह तरह के गुमान का शिकार हो जाओ कि कैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया है। क्या तुम ऐसी बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारे ईमान और तकवा का मेयार अभी इस कदर नहीं है, उस आला मेयार का नहीं है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ऐसी बीमारी में भी उसके दीन पर सही मानों में अमल पैरा हो सको। इस बीमारी में मुलव्विस होने से पहले, इसमें गिरफ्तार होने से पहले तुम नेकियों के कामों में सबकत कर लो। औ मरद मुफसिदा औ हरी मन मुफन्निदा, या तुम ऐसे बुढ़ापे के इंतज़ार में हो कि बुढ़ापा जब आने लगेगा, जवानी जब ढलने लगेगी, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत और नेकी के काम कर गुजरेंगे, जो बुढ़ापा तुम्हारी अक्लों को छीन लेगा और उस बुढ़ापे के आलम में तुम्हारे समाज के, तुम्हारे माशरे के जो नौजवान और जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे बारे में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करेंगे, बुढ़ा सटिया गया है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे बुढ़ापे से पनाह मांगी। औ मौतन मुजाहिदा, या तुम ऐसी मौत का इंतज़ार कर रहे हो जो मौत तुमको अपनी आगोश में लपेटने के लिए, अपने खतरनाक दामन और चंगुल में तुम्हें फंसाने के लिए हमा वक्त हर आन हर घड़ी हर लम्हा तैयार खड़ी है, वो मौत तुम्हें कभी भी याद पहुँचेगी। قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, कह दीजिए वो मौत जिससे तुम जितना दूर भागने की कोशिश करते हो वो मौत तुमसे उतना ही ज्यादा करीब होती चली जा रही है।
और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, ज़ाते वहदहू ला शरीक की तरफ, खालिक़े कायनात की तरफ लौटाए जाओगे और तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। अभी दज्जाल या तुम दज्जाल के जैसे आने के बड़े फितने के ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहे हो, फशर्रु गाइबिन युंतज़र, तो ये दज्जाल का फितने का ज़ुहूर जो अभी आंखों के सामने नहीं है, जो अभी हमारे आंखों से ओझल है, जो गायब है, बहुत बदतरीन चीज़ है, बहुत बदतरीन फितना है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये कोई इंतज़ार करने की चीज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल का ज़हूर हो जाए उस ज़माने में, जो दज्जाल के ज़हूर के बारे में सुन ले तो उसके सामने जाने की कोशिश ना करे। ये इतना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया और आगाह किया, मुतनब्बा किया, खबरदार किया, हर नबी ने डराया। अब बताइए दज्जाल इस उम्मत में पैदा होने वाला है, लेकिन इस फितने इतना बड़ा, इतना ख़तरनाक फितना है कि इस फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया, खबरदार किया। आपने फरमाया कि दज्जाल के जब ज़हूर हो जाए जिस ज़माने में, अगर मोमिन मुसलमान अपने तक़वा और ईमान पर इस कदर मजबूत और भरोसा करने वाला है और वो सोचता है कि हम दज्जाल के सामने डट कर खड़े रह जाएंगे, तो आपने फरमाया नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। दज्जाल के बारे में अगर सुन लो तो उससे दूर भागो, वो ऐसा फितना है कि तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे ईमान को खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा। मेरे भाइयों, अब इस्सा वस्सात अधा व अमर, या तुम कयामत का इंतज़ार कर रहे हो, कयामत तो बड़ी ख़तरनाक, हौलनाक, हैबतनाक और बड़ी कड़वी चीज़ है। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दात व तज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, बेपरवाह हो जाएगी। दुनिया में एक माँ अपने दूध पीते बच्चे से कभी भी गाफिल और बेपरवाह नहीं हो सकती है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बहुत चाको चौबंद, होशियार और एहतियात के साथ, और उसकी निगाह और उसका दिल, सब कुछ तन मन धन उसी की तरफ लगा हुआ होता है। लेकिन कयामत की हौलनाकी, कयामत का मंदर, उसका आदाब इस कदर हौलनाक, हैबतनाक, खौफनाक, दहशतनाक, वहशतनाक होगा कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़ा कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हर हमल से रहने वाली औरत माँ अपने हमल को गिरा देगी। कयामत इतनी हैबतनाक, वहशतनाक और हवलनाक चीज़ है, उसके मनाजिर किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं। माँ के पेट में अगर कोई बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, तो वो बच्चा, वो हमल साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। कयामत की हौलनाकी इस कदर ख़तरनाक होगी। वह तरन ना से सुकारा वो माँ हम भी सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे कि वो मदहोश खड़े हैं, मदहोश पड़े हैं, सर झुकाए हुए, गोया कि वो नशे के आलम में मदहोश हैं, नशे में मस्त हैं। वो माँ हम भी सुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। वलकिन आदाब अल्लाह शदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदाब ही इतना सख्त होगा कि तुम्हारी कमर को तोड़ देगा, तुम्हारी गर्दनों को झुका देगा और तुम्हें, तुम्हारे ऊपर ऐसे हालत को तारी कर देगा वो है कि तुम सारे लोगों के सामने मैदान महशर में शराब के नशे में डूबे हुए नज़र आओगे। मेरे भाइयों, कयामत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 30वें पारे में इरशाद फरमाया, फ़कैफ़ तत्तकूना इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान नसीबा, कैसे तुम उस दिन की हौलनाकी और ख़तरनाकी और उस दिन के आदाब से तुम कैसे बच सकते हो। अगर तुमने इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के काम नहीं किए, अपनी ज़िंदगी को, अपने वक्त को अगर गनीमत नहीं जाना, ईमान और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अगर तुमने नहीं गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के सामने, रसूलों की दावत के सामने और उलमा और दुआत के, इस्लाम के मुतालिक तालीमात तुम्हारे सामने सुनाने और उसके बारे में आगाह करने के सामने अगर तुमने अपनी गर्दन अकड़ाई और कुफ्र की, नाफरमानी की राह इख्तियार की, फ़कैफ़ तत्तकूना इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान नसीबा, तो उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे,
ये बच्चे जो आज बच्चे हैं, जिन पर बुढ़ापा एक वक्त के बाद तारी होने वाला है, उस दिन कयामत की हौलनाकी, कयामत का अजाब इस इतना सख्त ख़तरनाक होगा, यौम यजअलुल विलदान शीबा, जिस दिन बच्चों को, वो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। मेरे भाइयों, कयामत का इंतज़ार या दज्जाल और बड़े फितनों का इंतज़ार या फिर मौत का इंतज़ार या फिर बुढ़ापे का इंतज़ार या बीमारी का इंतज़ार या फिर मालदारी या दुनिया, हम दुनिया में हमारा स्टेटस और मकाम और मर्तबा हो जाए, हम मालदार हो जाएं, इसका इंतज़ार या फिर फ़क्र फाके का इंतज़ार, ये सारी चीज़ें जो सात चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई, ये सब नेकी के कामों से तुमको रोक देने वाले हैं, नेकी के कामों से तुमको दूर कर देने वाले हैं। इमाम बकर अल मुज़नी ने फरमाया कि मा मिन यौमिन अखरजहुल्लाहु इला दुनिया इल्ला व यकूल, कोई भी दिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में पैदा किया, निकाला, ऐसा नहीं है मगर वो ये ऐलान करता है और ये कहता है इब्ने आदम से, इब्ने आदम इग्तनिमनी लअल्लहु ला यौम लक बादी, ऐ इब्ने आदम तो इस दिन को गनीमत समझ ले, इस दिन को तू अपने हक में बेहतर समझ कर, इस दिन में तू नेकियों के काम कर ले, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के कामों से बच जा, लअल्लहु ला यौम लक बादी, शायद ऐसा हो कि तुझे इस दिन के बाद कोई दूसरा दिन देखना ही नसीब ना हो। वला लैलत इल्ला तुनादी इब्न आदम इग्तनिमनी लअल्लहु ला लैलत लक बादी, और कोई रात ऐसी नहीं है मगर वो ये पुकारती ना हो, कोई रात ऐसी नहीं जो ये ना पुकारती हो, ऐ इब्न आदम तू मुझे गनीमत समझ ले, शायद के इस रात के बाद तेरे लिए तेरी जिंदगी में कोई दूसरी रात ना हो, ये तुझे आखिरी रात हो, नसीब हो रही हो। और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के सामने क्या पुकारेंगे, काल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे अपने बंदों से कि तुम जिंदगी में, दुनिया में, ज़मीन पर कितने अरसे तक जिंदा रहे, कितने मुद्दत तक ठहरे, कितनी जिंदगी तुमने पाई, कितनी उम्र तुमने पाई, कितनी मोहलत तुम्हें दी गई। कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौमिन फसअलिल आदीन, तो बंदे जवाब देंगे हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही दुनिया में ठहरे, बस अलिल आद्दीन आप शुमार करने वाले, लिखने वाले किरामन कातिबीन फरिश्तों से पूछ लीजिए। قال بل لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देंगे कि तुम दुनिया की जिंदगी में बहुत थोड़ा, बहुत कम अरसे तक ठहरे, अगर तुम्हें इसके बारे में हकीकी इल्म हो जाता। أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ, क्या तुमने ये समझ रखा है, तुमने ये गुमान कर रखा है, तुम इस खाम ख्याली में हो, इस ज़ोम बातिल में तुम गिरफ्तार हो, अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुमको इस दुनिया में यूं ही बेमकसद बेकार रायगा पैदा किया है, तुम्हें इस तरह अपनी ज़िंदगी को खेल कूद में, खेल तमाशा बनाने के लिए पैदा किया है, तुम्हारी, तुम्हें ज़िंदगी देने का हमारा कोई मकसद नहीं है, तुम्हें अदम से वजूद में लाने का हमारा कोई टारगेट नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई कोई चीज़ बेमकसद नहीं होती है, वो बामकसद होती है, बामाना होती है। وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, और तुमने ये ख्याल कर रखा है कि इस ज़िंदगी में जो कुछ मनमानी गुजार दी और उसके बाद तुम हमारे तरफ लौटाए नहीं जाओगे, तुम्हारा हिसाब व किताब नहीं होगा। فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत वहदहु ला शरीक, हकीकी बादशाह, हकीकी बादशाहत का मालिक, वो बड़ी बुलंदियों वाला है, बहुत आला है। ला इलाहा इल्ला हुवा, जिसके अलावा कोई माबूद बरहक, माबूद हकीकी, सही मानों में इबादत के लायक कोई है ही नहीं, कोई दूसरी ज़ात है ही नहीं, कोई इला नहीं उसके अलावा। रब्बुल अर्शिल करीम, जो बाइज्जत अर्श का मालिक है, बड़े अदीम अर्श का रब है, पालनहार है, परवरदिगार है। मेरे भाइयों, जब कयामत के दिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दरबार में हाजिर होगा, जब जहन्नम में जाने का फैसला सुना दिया जाएगा और जो गुनहगार, सरकश, नाफरमान जहन्नम में चले जाएंगे, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या गुहार लगाएंगे, रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, परवरदिगार तू मुझे इस जहन्नम के अज़ाब से निकाल ले, मुझे इससे नजात दे दे, फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, दुनिया की ज़िंदगी में वापस लौटा दे, अगर हमने दोबारा तेरी नाफरमानी के काम किए, कुफ्रियात, मुलहदात और
बिदात और शिरकियात के मुर्तकिब अगर हम दोबारा हुए फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हम यकीनन तब तो बड़े ज़ालिम ठहरेंगे, हमसे बढ़कर कोई ज़ालिम हो नहीं सकता। फ़अल लना मिन शुफ़ा फ़यशफ़ऊ लना और नुरद्दु फ़नअमल ग़ैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल। वो गुहार लगाएंगे, तमन्ना और आरज़ू करेंगे, है कोई सिफारशी जो अल्लाह के बारगाह में हमारे लिए शिफात कर दे, या हमें दुनिया में वापस लौटा दिया जाए तो हम दुनिया में वो आमाल न करें जो हम करके आए हैं। लेकिन मामला ऐसा नहीं होगा, लेकिन मामला क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया वला रुद्दु लआदु लिमानहु अनहु इन्नहुम लकाज़िबून। अगर इन्हें दोबारा दुनिया की ज़िंदगी में वापस लौटा दिया जाए, पलटा दिया जाए, तो ये वापस वही नाफरमानी के और अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान में गुस्ताखी के और शिरकियात के और कुफ्रियात के और बिदआत के मुर्तकिब होंगे और फिर वही नाफरमानी के काम करेंगे, इसलिए कि उनके दिल कुफ्र और निफाक की बीमारियों में लतपत हो चुके हैं और उन पर उसकी छाप पड़ चुकी है, वो उसके आदि नहीं हो सकते नेकियों के, वो झूठे हैं अपने दावे में। मेरे भाइयों, इन तमाम बातों को सुनने के बाद हमारा फरीदा यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ लपकें, दौड़ें और पलटें। ऐसा ना हो कि दुनिया व माफिया और दुनिया की लज्जतें और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत हमें अल्लाह और उसके दीन से, रसूल और उसकी तालीमात से हमें बेखबर कर दे, हमें लापरवाह कर दे और हम गफलत के शिकार हो जाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को सही दीन, सही ईमान और अकीदा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ईमान को हमारे दिलों में रासिक कर दे, रचा बसा दे, ईमान की रमक हमारे दिलों में, ईमान से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, ईमान की रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, ईमान की रोशनी हमारे दिलों में पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सही ईमान के मुताबिक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब तक इस सांसों के डोर के टूटने का वक्त आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते रहें, और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हमारा खात्मा बिल खैर हो। अकूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु वल गफ़ूरुर रहीम।